वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस इज क्विक बाइट्स। तो आज जो है हम सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपने नेचर से रिलेटेड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मेनली मतलब आप क्या समझते हो, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, यही समझते हैं हम। तो आज जो है हम कंजर्वेशन अपने नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड पढ़ेंगे कि हमने कैसे नेचुरल रिसोर्स को जो है ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसका ओवर यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे वो लॉस्ट होते जा रही हैं। तो वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बची रहे, तो इसी के बारे में मैं आज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को, इस लर्निंग सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। बच्चों, आप सबको नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पता होगा। क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? कि कोई भी सब्सटेंस जो आपको नेचर में मिलता है, जिनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जिनका आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो होते हैं, जिनका ह्यूमन जो है, इंसान जो है, या कोई भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनका यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द मटेरियल्स अकरिंग इन द नेचर दैट आर कैपेबल ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो सारे पदार्थ, तो हवा, वायु, जो वायु हो गई, आपके जल हो गए, जो आप जो भी लैंड होता है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन यूज करता है। इसके साथ साथ जो भी वाइल्ड लाइफ की चीज़ें होते हैं, फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज़ वगैरह होते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनका कहीं ना कहीं वो अपना इकोनॉमिक यूज जो है वो ह्यूमन क्या करता है, करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज आती हैं। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन बींग जो है अपने सर्वाइवल के लिए क्या करता है, यूज करता है। इसके साथ साथ आपको पता है कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, तो वैसे वैसे हमारी क्या होती है, ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज का हम ओवर यूज कर रहे हैं, हम उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि जितना हम यूज कर रहे हैं नेचर उतना वो रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अगर आप देखो तो हम जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मान के चलो, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो उनको वो यूज करता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि पेड़ वगैरह काटते जा रहे हैं, इससे क्या होता है कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो भी फैक्ट्रीज से निकल रही है, प्लांट्स अब इतने रहे ही नहीं कि उनका यूज कर सके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का हम क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनका हम ओवर यूज कर रहे हैं, हम उनको बार बार काट रहे, मतलब ज़्यादा काट रहे हैं, हम किसी भी लैंड का जो जितना हम ह्यूमन को यूज करना चाहिए उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो नेचर ने क्या किया कि आपको एक रहने का दिया है जगह, अपने फॉरेस्ट भी हैं जिनमें वाइल्ड लाइफ रहेंगे, जिनमें आपके वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे, लेकिन ह्यूमंस क्या कर रहे हैं कि उन जंगलों को भी काट के अपने रहने का एरिया बना रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। तो इसी के लिए जो है कंजर्वेशन आता है, जिनमें हम क्या करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, हार्म और डिस्ट्रक्शन से क्या करते हैं, बचाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि आप जो है अर्थ रिसोर्सेज का, जो भी आपके अर्थ पे संसाधन आपको मिले हुए हैं, उनका जो है वाइजली यूज करो, ठीक है, अच्छे तरीके से दिमाग से आप क्या करो, यूज करो। क्यों ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी हमारे रिसोर्स क्या हो मिल सके। कहते हैं ना, वाटर का हम सस्टेनेबल यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा यूज कर लोगे तो हमारे आने वाले कुछ पीढ़ियों को जो है पानी बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। कंजर्वेशन में मेनली हम क्या करते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट कि कैसे इसका यूज करना है, अच्छे से यूज करना है, एक मैनेजमेंट हम करते हैं। उसके साथ हम प्रिजर्वेशन कहने का मतलब हम क्या करते हैं कि प्रिजर्व करके रखते हैं, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है उनको हम प्रिजर्व करते हैं, और उसके साथ साथ हम प्रोटेक्ट करते हैं उनका मिसयूज होने से। तो ये तीन चीज़ें जो है मिलके आपके क्या बनती है, कंजर्वेशन बनाती है। तो नॉर्मली जो है कंजर्वेशन के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको जो भी एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो आपके इकोसिस्टम में जो भी प्रोसेसेस वगैरह चल रही हैं, जो भी आप पढ़ते हो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वगैरह पढ़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है और जो है ऑक्सीजन प्लांट देता है, इसके बाद
ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई इसमें जैसे कि बकरी प्लांट्स को खा रही है, बकरी को लायंस खा रहे हैं, तो ये सारे इकोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करना है, जो भी एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेज हैं इन सब को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। और जो भी हमारे लाइफ के सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं, जो आपके लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपके एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। और किसी भी एक रीजन के स्पेसिफिक जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम फौना कहते हैं। तो ये टर्म आप याद रखिएगा। तो ये सारे जो है हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं कि हमसे इंटरकनेक्टेड, वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हम आप जो है नॉर्मली सोचते होंगे कि बाघ को जो है क्यों बचाने की ज़रूरत है, बाघ तो हमेशा हमें मार के खा ही जाता है, हमें बाघ को बचाने की ज़रूरत क्यों है। तो ये चीज़ आप समझ जाओगे कि नॉर्मली इकोसिस्टम में, किसी भी इन्वायरमेंट में जब हम बात करते हैं, तो हर ऑर्गेनिजम्स क्या इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर आप मानिए कि बाघ अगर ख़त्म हो जाए तो हिरन को कौन खाएगा, अगर हिरन को कोई खाने वाला नहीं होगा तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगी और वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके घास को क्या कहेगा, खाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, घास खत्म हो जाएगी, एक जगह की पूरी घास खत्म हो जाएगी। घास खत्म होने पे क्या होगा, अब डियर किसको खाएगा, तो फिर डियर जो है डियर भी खत्म हो जाएगा। तो एक बाघ के खत्म होने से आपके तीन तरह के जो स्पीसीज है वो खत्म हो गए, डियर भी खत्म हो गए, ग्रासेस भी खत्म। तो इस तरीके से इकोसिस्टम में हर कोई इंपॉर्टेंट है और उन्हें हम हर किसी को हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। इसके साथ साथ हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हम प्रॉपर और प्लांट जो है यूटिलाइजेशन करें, ताकि जो है वो हमारे कंटिन्यूसली जो है वो यूटिलाइजेशन के लिए बचे रहे, हमारे जो भी फ्यूचर आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए वो बचे रहे। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है कंजर्वेशन की, हम क्यों करते हैं कंजर्वेशन, वो ये है कि जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो मेनली जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करें, प्रिजर्व करके रखें, उन्हें बचा कर रखें। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कितनी वेरिएशन है आपके एरिया में, उनको हम बचा करके। तो दो तरह की डाइवर्सिटी दी गई है, जेनेटिक और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक मीन्स होता है कि एक स्पीसीज के अंदर जो है कितने अलग अलग तरह के जो है आपको एनिमल्स जो है आपको एक ही अलग अलग तरह के लोग मिल जाएंगे, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स होता है कि एक लैंडस्केप में आपके मतलब पूरे अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के माइक्रोब्स पाए जाते हैं, तो वो सारे जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आती है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आपको अभी नहीं पढ़ना ये सारी चीज़ें। तो मेनली जो कंजर्वेशन जो है वो दो जो है टर्म से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड से। पहला है कॉन, जिसका मतलब होता है टुगेदर, एंड सर्वेयर। सर्वेयर का मतलब होता है कि बचा कर रखना, संभाल कर रखना, गार्ड करना। तो उस यही दोनों मिलके जो है आपके बनाते हैं कंजर्वेशन बनाते हैं। तो जो भी कंजर्वेशनिस्ट होते हैं ना, उनको हम इन्वायरमेंटलिस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारे अर्थ पे जो है जो भी चीज़ें हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है ना, और आने वाले कुछ सालों में वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, अपने पॉपुलेशन जो है हमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें कहीं ना कहीं ये जो है ध्यान देना होगा कि हमें कैसे जो है इन सबको बचा कर चलना है, एक सस्टेनेबल यूज करना है, इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। तो यही वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, बुद्धिमत्ता के साथ नेचुरल रिसोर्स का यूज करना, दिमाग से यूज करना, और ये एम रखना कि हमें जो है प्रिजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है अपने नेचर को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। अगर कंजर्वेशन ना हो तो क्या होगा कि जो भी अर्थ के रिसोर्सेज होंगे वो सारी क्या हो जाएंगी, या तो वेस्ट हो जाएंगी, या तो डिग्रेडेड हो जाएंगी, या आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, एक तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। तो इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या कहते हैं, कंजर्व करते हैं अपने प्लांट रिसोर्सेज को। अब जो मैं आपको कह रहा था कि हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो वही हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो टर्म आप इसमें देख सकते हो, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, ठीक है। तो किसी भी एरिया में, ठीक है, या नॉर्मली आपके अर्थ में जो है कितने तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, माइक्रो मीन्स वही आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, वायरसेज वगैरह होते हैं। तो नॉर्मली जो है माइक्रोब्स, कितने तरह के माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं, कितने तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, कितने तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं किसी भी एक एरिया में, उनको हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी टर्म से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वैरायटी जो है लाइफ फॉर्म्स की कौन कौन सी होती है, या तो फ्लोरा होंगे, प्लांट्स होंगे, या तो फौना होंगे, जो एनिमल्स, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको माइक्रोब्स भी कहते हैं।
तो इंडिया में कहा जाता है कि नॉर्मली जो आपका जो इंडिया का जो पूरा अगर आप लैंड एरिया देखो उसमें से 1/5 जो एरिया होता है वो फॉरेस्ट के अंदर होता है, जिनमें आपके इवेंस अमाउंट ऑफ वाइल्ड लाइफ आपको जो जितने भी जो वाइल्ड प्लांट्स एनिमल्स ये सब जो है आपको मिल जाएंगे उन फॉरेस्ट में, बहुत ज़्यादा वेरिएशन बायोडाइवर्सिटी उनमें होती है। तो नॉर्मली जो भी वो हैबिटेट्स होते हैं वो आपके डिफरेंट जो भी हैबिटेट्स में रहते हैं, चाहे वो आपके हाई माउंटेन से लेके डीप ओशियन तक या डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं वो आपके क्या है ग्लोबल इकोसिस्टम का क्या है पार्ट है, अलग अलग इकोसिस्टम आपने मैरीन इकोसिस्टम पढ़ा होगा जिसमें समुद्र वाले जो भी होते हैं, आप लेक जो होता है, वाटर जो भी रिवर होता है, आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, तो अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, अलग अलग जगह पे आपके क्या होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो नॉर्मली एक चीज़ जो आप नोट कर सकते हो कि जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है वो आपके फॉरेस्ट में पाई जाती है, और आपने अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपको इन सारी चीज़ों से क्या मिलता है, आपको सोर्स ऑफ फूड मिलता है, मेडिसिंस मिलते हैं, टिम्बर मिलते हैं, मिल्क मिलती है, हनी सिल्क, तो आपको नंबर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ जो है प्रोडक्ट्स आपका सिंसियर प्रोडक्ट्स जो है आपको जंगल से मिलते हैं, और ये किन की वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी की वजह से, आपको मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे जो टिम्बर के लिए यूज किए जाते हैं, दूसरे मेडिसिंस के लिए यूज किए जाते हैं। एक चीज़ जो आपको याद रखना है कि स्पीसीज क्या होते हैं, हम प्रजाति कहते हैं ना, प्रजाति का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स जिनमें सेम करेक्टर्स होते हैं, कॉमन करेक्टर्स होते हैं वो, और एक चीज़ और आप जोड़ सकते हो कि वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, एक स्पीसीज़ का ऑर्गेनिजम्स अपने स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के साथ ही क्या करेगा रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, प्रजनन करेगा उनके साथ ही रिप्रोडक्शन करके बच्चे देगा। ठीक है, तो ये स्पीसीज का ये मतलब होता है। फॉरेस्ट जो है एक कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, इसमें आपको जो है तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स, तरह तरह के वाइल्ड प्लांट्स, माइक्रोब्स वगैरह ये आपको इनमें मिल जाएंगे, और नॉर्मली जो फॉरेस्ट होता है ये सिर्फ आपके एनिमल्स और प्लांट्स को ही नहीं बचाता है, इसके साथ साथ आपके एयर वाटर और लैंड को भी कंजर्व करके रखता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस जो है फॉरेस्ट की दी हुई है कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपके सॉइल इरोजन को बचा कर रखता है, कहते हैं ना कि उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखते हैं, जिनकी वजह से कि बारिश वगैरह या बाढ़ वगैरह आती है तो मिट्टी जो बह के नहीं जाती। इसके साथ साथ आपको जो है रॉ मटेरियल देते हैं पेपर वगैरह बनाने के लिए, CO2 और O2 को आप बैलेंस बना के रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बैलेंस बना कर रखते हैं, फर्नीचर्स वगैरह के लिए जो भी लकड़ियाँ वगैरह यूज करने के लिए वो यूज में आती हैं, आपको फूड और मेडिसिन देते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को क्या करते हैं कि वो होम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा जो भी ट्राइबल्स होते हैं, जो भी आदिवासी लोग रहते हैं वो जंगल में मेनली रहते हैं, तो उनके लिए भी वो होम और शेल्टर जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो अब जो है हमें ये समझना है कि क्या कारण है जिनकी वजह से जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है लॉस हो रहा है, ठीक है, हमें कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है। तो आपको पता है कि कुछ सालों में जो है ह्यूमन ने, जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ता गया, हैबिटेशन बढ़ती गई, तो वो क्या करते हैं जंगल को काट के अपना रहने का एरिया बनाते चले गए, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप कारण देख सकते हो वो है उनका डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ठीक है। तो नॉर्मली जो 1000 सेंचुरी और 2000 सेंचुरी के बीच में जो है आपका जो है मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हुए हैं, एक्सटिंक्ट मीन्स करने का मतलब विलुप्त हो गए, लुप्त हो गए, खो मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। और ये किनकी वजह से हुआ, ये हुआ मेनली कि ह्यूमन की वजह से, जो जब उन्होंने क्या किया कि उनके हैबिटेट को लॉस किया। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी फॉरेस्ट होते हैं वो आपके फौना और फ्लोरा का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हब होता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है वो, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि ट्रीज को काटते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर वेरियस रीजन इज कॉल्ड दिस डिफॉरेस्टेशन, जब हम लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज क्या करते हैं एक बार में काटते जाते हैं, ठीक है, और उनकी जगह पे हम उसको रिप्लेनिश नहीं करते, उनकी जगह पे हम लगाते नहीं है, सिर्फ हम काटते रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो फौना क्या होता है, मैंने आपको जैसा बताया कि किसी भी एक नेचुरल सराउंडिंग में, एक एरिया में, नॉर्मली जो आपके जितने भी तरह के जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं फौना कहते हैं। और फ्लोरा क्या होता है कि एक जो आपके नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं किसी भी रीजन में उनको हम क्या कहते हैं फौना कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, फ्लोरा देखो याद रखने का, फ्लोरा से फ्लावर याद रख सकते हो, फ्लावर जो होता है वो नॉर्मली प्लांट्स में पाया जाता है, तो इसीलिए प्लांट्स याद रख सकते हैं, ठीक है। तो
कहा जाता है कि नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि आपने जो है ट्रॉपिक एरिया में जब आप अर्थ पढ़ते हो तो उसमें आप इक्वेटर वगैरह पढ़ते हो, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ते हो, तो उस एरिया में जो भी फॉरेस्ट आते हैं ना जहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे जो है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। तो कहते हैं कि हाफ ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना वो आपके लास्ट 50 ईयर्स में जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ये समझ लो। तो नॉर्मली जो डिफॉरेस्टेशन जो है वो फ्लोइंग रीजन्स के लिए की जाती है, जैसे कि आपके माइनिंग खुदाई वगैरह के लिए की जाती है, आपके जो है जंगलों को काट के उनका जो है लैंड बना के एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है, खेती के लिए किया जाता है, घर बनाने के लिए, रोड और रेलवे ट्रैक बनाने के लिए डैम्स वगैरह बनाने के लिए, इन सब के लिए क्या करते हैं जंगल को काट देते हैं और उनसे जो भी फ्यूल जैसे लकड़ियाँ जलाने के लिए, टिम्बर्स के लिए, इन सब के लिए क्या कर रहे हो कि आप जंगलों को काटते जा रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि जो भी जंगल में रहते हैं, जो भी जानवर रहते हैं या जो भी प्लांट वहाँ पर रिसाइड करते हैं, उन सब का हैबिटेट क्या हो रहा है, लॉस्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट होती जा रही है। इसके साथ साथ क्या होता है कि इससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि नॉर्मली जो आपके वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स मैंने बताया कि उनको हार्म पहुंचता है, सॉइल इरोजन हो सकता है, जो आपके फूड जो है लॉस हो जाती है, आपके ड्रॉट वगैरह, लैंडस्लाइड वगैरह, ये सारे जो है आपके कुछ जो है आपने अभी केरला में पढ़ा कि जो सुना होगा जो बाढ़ आई थी, तो वो मेनली इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ के जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा काट दिए गए। तो नॉर्मली बारिश तो हमेशा होती थी, तो क्या करते थे कि जो प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता था और नॉर्मली बाढ़ का इतना इम्पैक्ट नहीं होता था। अब जो है सारी जंगल्स कट गए तो पानी का बहाव बहुत तेज़ है और पूरे के पूरे लैंड मास को बहा के ले गया। तो ये सारे जो नुकसान होते हैं आपके डिफॉरेस्टेशन के। ओवर ग्रेजिंग एक टर्म होता है, ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है नॉर्मली आप जानते हो कि जानवर वगैरह जो घास चढ़ती हैं, तो जब वो जितना जैसे कि आपने वो घास चढ़ी तो कुछ देखोगे कुछ समय के बाद वो घास फिर से उगाता है। अगर आप वो इस रेट के साथ अब गाय भैंस जो है चढ़े कि वो उनके उगने से पहले ही वो फिर उनको खा लेते हैं, वो अपने आप को जो घास है वो अपने अपने को रिप्लेनिश नहीं कर पाती, तो उसी को हम क्या कहते हैं ओवर ग्रेजिंग कहते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा रेट के साथ खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको पता है कि जो घास होती है वो सॉइल को बांध के रखती है, सॉइल इरोजन नहीं होने देती, तो ओवर ग्रेजिंग से क्या होगा कि आपका सॉइल इरोजन हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये पता है कि सॉइल इरोजन के बाद क्या होता है कि नॉर्मली जो ह्यूमस एक टर्म सुना हो आपने, ये ह्यूमस होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो वो ह्यूमस भी क्या होता है लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगा, वो उपजाऊ नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट जो होता है वो नॉर्मली आपके अर्थ का तो बहुत ही कम एरिया लेता है, लेकिन जो है उनमें आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको एम्पल गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है, आपको रेनफॉल जो है बारिश जो अच्छे से मिलती है, तो सारे कंडीशंस वहाँ पे अच्छे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं मिल पाए जाते हैं। तो दूसरा रीजन जो है वो होता है प्रेजेंस ऑफ एन एग्जॉटिक स्पीसीज। एग्जॉटिक स्पीसीज कहने का मतलब क्या होता है कि वैसे एनिमल्स या प्लांट्स की स्पीसीज जो कि उसके एक प्लांट जो भी आपका स्पेसिफिक रीजन है वहाँ पे पाए नहीं जाते, उनको बाहर से वहाँ पे लाया जाता है, ठीक है। तो वैसे एनिमल्स और प्लांट्स जो किसी एक प्लेस में ओरिजिनली वहाँ के नहीं होते, बिलोंग नहीं करते, लेकिन उनको कहीं से और से इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको लाया जाता है, फिर उनको वहाँ पे लगाया जाता है, तो वैसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं एग्जॉटिक स्पीसीज कहते हैं, या एक तरीके से फॉरेन स्पीसीज समझ सकते हो कि जो बाहर से आते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं एग्जॉटिक स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जैसे कि आप यूकेलिप्टस जो होता है, यूकेलिप्टस जो है आपका मेनली एग्जॉटिक स्पीसीज है, जो नॉर्मली इंडिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन उनको बाहर से अब आके लगाया गया, तो आप देख सकते हो आपके जो यूकेलिप्टस जिनको हम सफ़ेदा कहते हैं, ये वाला ट्री पूरा वाइट सा होता है इसका इंटेस्टाइन जो ट्रंक होता है, और ये अब इंडिया में भी पाया जाने लगे। इसके साथ एक वाइल्ड कीकर प्लांट जो है आप देख सकते हो, नॉर्मली जो है आप जहाँ पे रिज वाले एरिया में जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे जो है आपको छोटे छोटे से छोटे पत्ते वाले जो है आपको प्लांट जो जंगल से ऐसे भरे पड़े होते हैं दिल्ली के एरिया में जो है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनको हम वाइल्ड कीकर प्लांट कहते हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, वो भी आपका जो है एग्जॉटिक स्पीसीज है, उनको जो है अंग्रेज के समय में जो है अंग्रेजों ने आके बाहर से लगाया था, और वो अब इतना हो गया कि इंडिया के जो नेटिव स्पीसीज होती हैं उनको अब वो एक तरीके से ख़त्म करते जा रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जो भी एग्जॉटिक स्पीसीज होती हैं वो क्या करते हैं कि आपके नेटिव स्पीसीज कहने का मतलब क्या होता है, आपके नेशन से आप समझ सकते हो, तो उन्हीं से टर्म आया नेटिव, जो उस एरिया में पाई जाती हैं,
ठीक है, वहीं की हैं वो, उनको नेटिव स्पीसीज कहा जाता है। और एंडेमिक स्पीसीज को क्या करते हैं कि एक तरीके से उनको हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक एरिया में कोई नॉर्मली आपके ग्रो कोई प्लांट्स ग्रो कर रहा है, आप बाहर से किसी और को ले आते हो और वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है, उनके दूसरे के फूड वगैरह ले लेगा, तो एक कंपटीशन सा बढ़ जाता है ना। आपकी क्लास में मान लो कि एक नया बच्चा आ जाता है और नॉर्मली एक अच्छे से आप सब रहते हो, एक कोई दूसरा बच्चा आ जाता है जो बहुत ही नोटोरियस है, तो कंपटीशन तो बढ़ जाएगा ना एक तरीके से। तो सेम उसी तरीके से इसमें भी होता है। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? एंडेमिक स्पीसीज होती है कि नॉर्मली किसी भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में ऐसे स्पीसीज जो सिर्फ उसी रीजन में पाए जाते हैं और कहीं पे भी नहीं पाए जाते, इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, जो सिर्फ उसी रीजन में पाए जाए और कहीं नहीं पाए जाए। जैसे कि आपके एसेटिक लायन जो होते हैं वो आपके नॉर्मली जो गिर जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे आपके पाए जाएंगे, और इंडिया में एक छोड़ के और वो फिर कहीं पाए नहीं जाएंगे। तो वैसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो फिजिकल क्लाइमेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो जो है कंट्रीब्यूट करते हैं एंडेमिज्म में। एंडेमिज्म में कहते हैं ना कि हर एरिया का क्या होता है, अपना अपना क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, वहाँ के फिजिकल जो जियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, हर रीजन का अलग अलग होता है। इवन आप दिल्ली का देखो तो दिल्ली का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, और यूपी का अलग है। तो यही जो है वो तो है एंडेमिज्म बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है कि आपके इससे स्पीसीज जो सिर्फ वहीं पे पाए जाएंगे। तो इंडिया में जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है ग्लोबली इंपॉर्टेंट जो है स्पीसीज आपको मिल जाएंगी, और इसके साथ कुछ रेयरेस्ट स्पीसीज मिल जाएंगी जो सिर्फ उसी एरिया में पाई जाती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए जो मैंने एक बताया एसियाटिक लायन जो होता है, उसके साथ साथ असम का जो वन हॉर्न राइनोसेरस जो होता है, ठीक है, उसके साथ साथ आपका इंडियन एलिफेंट ऑफ केरला, रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरबन का, और उसके साथ लायन टेल मकाऊ, घड़ियाल, स्नो लेपर्ड हिमालय के, इसके साथ साथ रोवर क्रेब जो होते हैं निकोबार आइलैंड के, फ्लाइंग स्क्विरल, इंडियन जाइंट स्क्विरल, बीसन, बारासिंगा, ये सब कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो इंडिया के लिए रेयर स्पीसीज हैं और एंडेमिक स्पीसीज हैं जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है, और कहीं दूसरी जगह पाई नहीं जाती हैं। तो जब भी एग्जॉटिक स्पीसीज लाई जाती है ना, जो बाहर से स्पीसीज आती है, तो वो इनके साथ क्या करते हैं? कंपटीशन करती है, ठीक है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए। तो इससे क्या होता है कि ये नेटिव स्पीसीज धीरे धीरे और एंडेमिक स्पीसीज धीरे धीरे वो खोती जा रही है। इसके बाद आपका आता है फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो नॉर्मली जो है फूड सिक्योरिटी में क्या करते हैं कि नॉर्मली आपको पता है कि इंसान जो है अब फूड के लिए क्या करता है, एनिमल्स को मारता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल के लिए जो है मैरीन टर्टल जो होते हैं उनको जो है मीट के लिए मारा जा रहा है, उसके साथ साथ उनके जो सेल होते हैं, जो वो कछुआ का जो होता है जिनके अंदर वो अंदर चले जाते हैं, जो ऊपर का जो कवच होते हैं, तो उनका जो है यूज जो है ज्वेलरी, कॉम और सनग्लासेस बनाने में, इन सब चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ साथ फिशिंग जो है वो आपके फिश के पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर रही है, घटा रही है। इसके साथ साथ एक कॉड फिशिंग होती है, कनाडा में जो है इनको बैन कर दिया गया है क्योंकि उनकी जो नंबर बहुत ज़्यादा घट गए थे। कॉड जो है फिश जो है उनका जो है कॉड का लीवर का जो ऑयल बनाया जाता है, कॉड लीवर ऑयल जो होता है, और नॉर्मली विटामिन ए विटामिन डी के लिए जो है यूज किए जाते हैं, तो उनके लिए जो है फिशेज को मारे जाते फिशिंग की जाती थी, तो उनका नंबर घटते गया, तो अब जो है कनाडा में इनको बैन कर दिया गया। इसके साथ साथ आपने हाइब्रिडाइजेशन, आपने पढ़ा होगा हाइब्रिड प्लांट्स और हाइब्रिड काओ के बारे में सुना होगा कि ये हाइब्रिड का है, ज़्यादा दूध देती है। तो नॉर्मली जो भी इंडिजिनस या आपके जो नेटिव एक जो होते हैं ना, कहा जाता है कि इंडिजिनस ब्रीड या प्योर ब्रीड कहा जाता है, तो उनको क्या किया जाता है कि दूसरे एग्जॉटिक ब्रीड के साथ जो बाहर वाले जो ज़्यादा दूध वगैरह देते हैं उनको क्या कहता है, उनके साथ इनको क्या किया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, उनके साथ रिप्रोडक्शन कराया जाता है और हाइब्रिड टाइप के काऊ बनाए जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो आपके इंडिजिनस ब्रीड या जो आपके नेटिव ब्रीड या प्योर ब्रीड जो थे वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनका लॉस्ट होता जा रहा है, ठीक है। उनके जो वो जो है वल्नरेबल या थ्रेटेंड कहने का होता है कि वो धीरे धीरे वो विलुप्त होते चले जाएंगे अगर उनको भी ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपने फूड के जैसे जैसे हमारे फूड का जो है बढ़ता जा रहा है हमारा, उसी तरीके से क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं या प्लांट जो है वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो फूड का डिमांड बढ़ता जाएगा तो एनिमल्स, ऑब्वियसली एनिमल्स का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, प्लांट्स का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, वो घटते चले जाएंगे। इसके साथ हंटिंग करते हैं लोग, शिकार करते हैं, तो इनकी वजह से भी जो है आपके घटते जा रहे हैं, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, राइनोज, लेपर्ड, व्हेल, ये सारे कुछ एनिमल्स हैं जो कि उनके प्रोडक्ट्स के लिए क्या किया जाता है, उनको हंटिंग की जाती है और वो घटते चले जाते हैं।
इसके बाद आपका आता है क्लाइमेटिक चेंज और नेचुरल डिजास्टर। तो नॉर्मल पता है कि आपको जो भी सर्टेन कुछ सालों में जब ह्यूमन की वजह से क्या होता है कि क्लाइमेटिक चेंज जो है बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। नॉर्मली पहले के समय में भी जैसे डायनासोर जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, 160 मिलियन ईयर्स जो है कहते हैं कि नॉर्मली जो आपके डायनासोर जो है डोमिनेंट थे, अब वो सडनली क्या हुआ एक्सटिंक्ट हो गए। तो ऐसे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस आई होंगी, अर्थक्वेक आया होगा या कुछ आपके जो है एस्ट्रॉयड वगैरह जो है टकराए होंगी धरती से, तो मास एक्सटिंक्शन हो गया। एक साथ ही बहुत सारे जो सारे के सारे एनिमल्स क्या हो गए एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। इसके साथ साथ आपके जो है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है वो आपके कोरल रीफ्स जो होती हैं, कोरल जो होता है नॉर्मली एक टाइप का एनिमल्स होता है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, वो धीरे धीरे क्या होती है लुप्त होती जा रही है, ठीक है। तो ये सारे जो कुछ रीजन्स हैं जो जिनकी वजह से आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस्ट हो रही है। और एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन जो है चाहे वो एयर का हो, चाहे वो सॉयल का हो, चाहे वो वाटर का हो, वो आपके बहुत सारे स्पीसीज के लिए क्या करें उनको एंडेंजर्ड कर बना रही है, उनको जो है एक खतरे के निशान तक पहुंचा रही है कि अब जो अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो लॉस्ट हो जाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि जो डीडीटी का छिड़काव किया जाता था मॉस्किटो जो एयर को मारने के लिए, तो नॉर्मली इनसे क्या हुआ कि अब उनको मछलियाँ खाती हैं तो मछलियाँ में डीडीटी चले गए, मछलियाँ को बर्ड्स वगैरह खाती हैं तो बर्ड्स में भी डीडीटी आ गए, जिनकी वजह से क्या हो गया उनके अंडे जो है ना बड़े थिन से होने लगे। और जब भी आपको पता है कि जो भी चिड़ियाँ होती है अंडे को सेकती हैं, तो जब वो अंडे के ऊपर बैठती थी तो उनका बाहर नहीं सब आता तो अंडे जो है वो टूट जाते थे, ये डीडीटी की वजह से हुआ था। तो इसीलिए डीडीटी को है अब नॉर्मली बैन कर दिया गया है, और जो नॉर्मली आपका जो कुछ बर्ड जैसे पेलिकन जो है ये लॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है, डीडीटी की वजह से। इसके साथ आप जो है पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यूज करते हो खेती में, जो आप जो केमिकल वगैरह डालते हो, इनकी वजह से क्या होता है कि जो है सॉइल में जो है या वाटर में एक्चुअली आपका क्या होता है कि जो मिनरल्स का अमाउंट जो है वो बढ़ता चला जाता है। इनको हम कहते हैं एजिंग ऑफ लेक, जिनको हम लोग साइंस के टर्म में हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है कि नॉर्मली जो आपका जो है नॉर्मली आपके सॉयल वाटर में आपका मिनरल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपके जो एल्गी वगैरह होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स को वो ग्रो ही नहीं करने देते। तो इन सब के बारे में आप हायर क्लासेज में और पढ़ोगे। बस आपको इतना याद रखना है कि ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से जो है जो आपके लेक में पॉन्ड में इनमें जो है मिनरल्स जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनसे क्या होता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, इन्हीं को हम क्या कहा जाता है यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इसके साथ साथ जो है रिवर डॉल्फिन जो अमेजोन की और गंगा वगैरह की इन सब की वो वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रही है लुप्त होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, ठीक है। तो हमने जो है अभी तक ये सारे जो है चीज़ें पढ़ ली कि कैसे जो है आपके क्या क्या क्यों हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, क्या क्या रीजन्स हैं जिनकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रही है। तो आज हम अपने चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अब जो हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है उनको कैसे कंजर्व किया जाए, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या प्रोटेक्टेड एरियाज हम बना सकते हैं, क्या क्या लॉज हैं, इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।